हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गंभीर विषय पर जिसका नाम है रेबीज वायरस। देखो, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो संक्रमित कुत्ते के काटने से होती है। अगर ये कुत्ता किसी को काट ले तो रेबीज वायरस इंसान के शरीर में घुस सकता है और इसकी मरने का गारंटी 100% तक पहुंच सकती है। एक बार संक्रमित होने पर भगवान भी आ जाए तो इसे बचाना मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि हम दूरी बनाए रखें सड़क पर फिरते हुए कुत्तों से, क्योंकि गुस्से के शिकार कुत्ते के इमोशन बहुत अस्थिर हो जाते हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो हमारा ऊपर हमला करेगा या नहीं। अगर हमें दुर्भाग्य से कुत्ता काट लेता है तो रेबीज वायरस पहले चोट हुई जगह से शरीर में प्रवेश करता है और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आखिर में हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। फिर ये दिमाग में तेजी से फैलने लगता है। इसकी रिप्रोडक्शन की गति सच में बहुत अधिक होती है। इस स्टेज पर यमराज से दूर नहीं होते हैं। एक बार कुत्ता काट लेता है तो हमारे साथ कुछ अजीब अजीब चीज होते हैं और अजीब सा कुछ ख्याल भी आता रहता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, रेबीज सिर्फ कुत्ता काटने पर ही होता है। अगर कोई भी चोट और फटी हुई जगह पे को रेबीज वाले कुत्ते ने चाटा भी हो तो ये हमारे शरीर में कुत्ते थूक के जरिए प्रवेश करता है। और दोस्तों याद रखना, रेबीज सिर्फ कुत्तों से ही नहीं होती है बल्कि बिल्लियां, सुअर, गाय और अन्य जानवर भी इसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर साल लगभग 60,000 लोग रेबीज से मरते हैं और दुनिया भर में इसका सबसे बड़ा कारण कुत्ते ही है। अब तो समझ गए होंगे कि इसको रेबीज क्यों कहते हैं, राइट? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जिसको भी कुत्ते ने कटा होगा उसका एक्सपीरियंस जरूर बताना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।